If Anuj walks at a speed of 4 kilometer per hour, then he reaches his school 6 minutes late. Okay. But if he walks at the speed of 5 kilometer per hour, then he reaches 6 minutes before the scheduled time. Okay. What is the distance in kilometer of his school from his house? Okay. अब देखो सिचुएशन को असेस करते हैं. आपको ये कहा जा रहा है, आपको क्या कहा जा रहा है, अनुज जब 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो जो भी स्केड्यूल ओरिजिनल टाइम है उससे 6 मिनट वो ज्यादा लेता है. तो यहाँ पर जो आपका टाइम है वो प्लस में जा रहा है, 6 मिनट ज्यादा लगता है. लेकिन अनुज अगर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो जो ओरिजिनल टाइम है उससे 6 मिनट पहले पहुंचता है. तो यहाँ पर मैंने लिखा -6 मिनट. ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, बिफोर द स्केड्यूल टाइम. तो व्हाट इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ हिज स्कूल फ्रॉम हिज हाउस, तो डिस्टेंस आपको फाइंड करना स्कूल का और घर के बीच का, ठीक है. तो देखो यहाँ पर आप एक अपने कोई भी एक हाइपोथेटिकल हम वैल्यू ले लेते हैं. जैसे कि मान लो 5 और 4 का एलसीएम क्या है, 20. तो मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर. ये हमारी एज्यूम वैल्यू है कि हमने कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है. तो हमने आप यहाँ पर वैल्यू क्या ले ली कि मान लेते हैं कि जो स्कूल और घर का जो डिस्टेंस है एज्यूम वैल्यू कितना है, 20 किलोमीटर. तो अगर मैं 4 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जाऊंगा तो कितने घंटे में 20 किलोमीटर कवर करूंगा, 5 आवर्स में. अगर मैं 5 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जाता हूँ, अगर मैं वॉक कर रहा हूँ 5 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, तो कितने घंटे में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होगा, ये आ जाएगा आपका 4 आवर, ये आ जाएगा आपका 4 आवर. अब आप ये देखो जो आपकी एज्यूम वैल्यू है उसमें जो टाइम डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 1 आवर. लेकिन जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू है उसमें जो टाइम डिफरेंस आ रहा है, टाइम डिफरेंस का मतलब ये आपका 6 मिनट हो गया, इसमें से माइनस कर दो ये वाला टाइम क्योंकि वो -6 है. तो 6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6. तो ये हो गया आपका 12 मिनट. 12 मिनट तो ओरिजिनल जो टाइम डिफरेंस है वो 12 मिनट है. तो आपको क्या करना है, पहले ये जो 1 आवर का जो ये आपका जो 1 आवर है पहले तो इसको मिनट में चेंज करो. तो 1 आवर में कितने मिनट हो गए, 60 मिनट बने. अब 60 मिनट को आपको इस ओरिजिनल टाइम में लेके आना है. तो 60 मिनट को ओरिजिनल टाइम पे लाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 1/5. यही आपका वो फैक्टर है जिसकी हेल्प से हम ओरिजिनल डिस्टेंस फाइंड करेंगे. ये जो भी आपकी ये वैल्यू आ रही है इसी वैल्यू से आप इसको मल्टीप्लाई करो. तो अगर मैं 20 को 1/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 4 किलोमीटर. इसका मतलब स्कूल और होम के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो 4 किलोमीटर है. दैट इज ऑप्शन सी. इज इट क्लियर?